हेलो फ्रेंड्स, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल ये भी लाइट हम लोग ने लिया है और एक बैटरी लिया है। तो अभी इसकी पूरी वायरिंग यहाँ पे अंदर में कर चुका हूँ। बहुत ही सिंपल सी वायरिंग है और एक नॉर्मली छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो ये जब मैं चालू करता हूँ तो ये लाइट ऑन होता है और मैं स्विच जब बंद करता हूँ तो लाइट ऑफ हो जाता है। देखिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये सिंपल सा है। और ये अब आते हैं आगे, ये है डेमो सोलर पैनल सर्किट। ये भी बहुत नॉर्मल सा है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, अगर मैं इसको चालू करता हूँ तो आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। मैं फिर से एक बार ऑन करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड प्रोजेक्ट, इसमें सिंपल वायरिंग दी गई है सर्किट की, जिसमें एक बैटरी ली गई है 9 वोल्ट की और अपने सिंपल खिलौने वाली मोटर है जिसको एक फ़ैन लगा दिया है और अपन नॉर्मल वायर यूज़ किए इसमें और एक स्विच यूज़ किया है। और जब मैं इसको चालू करता हूँ तो ये देखिए अपना कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये फोर्थ प्रोजेक्ट जिसमें 2-way वायरिंग दिखाई गई है। तो अगर ये बेसिकली हमारे घरों में भी यूज़ होती है, जहाँ पे माला रहता है वहाँ पे। तो मैं जब यहाँ से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे यूज़ होती है। अभी देखिए ये बंद हो गया। जब मैं समझो मैं नीचे वाले दो माले हैं और मैं नीचे वाले रूम में हूँ, तो ये एक ऊपर वाले माले पे रहेगा और एक नीचे वाले, और एक समझो इसकी जगह एक ट्यूबलाइट रहेगी जो माले पे। तो मेरे को नीचे से ट्यूबलाइट चालू करना है, ऊपर माले पे मेरे को जाना है। तो मैं माले पे जाके ट्यूबलाइट ऑन नहीं करूँगा, मैं नीचे आके करूँगा। मैं नीचे से ही पहले ही चालू कर दूँगा। और मैंने चालू किया, फिर मैं माले पे जाऊँगा, फिर रिटर्न आते समय मैं बंद कर दूँगा। फिर अगर मेरे को फिर मैं वहाँ पे और समझो कि मेरे को चालू करना है, तो दोनों बाजू से हम लोग चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, 2-way स्विच, ये है 2-way स्विच। तरीके से बहुत सारे